जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 02618 मंगला लक्षद्वीप सुपर फास्ट एक्सप्रेस कोविड विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफर किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय कुछ स्टेशनों पर बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन और एर्नाकुलम दक्षिण स्टेशन के बीच रोजाना चलती है। ट्रेन 34 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 2761 किलोमीटर की दूरी 51 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको कैटरिंग यानी खान पान से संबंधित जानकारी देता हूं। कोविड स्पेशल ट्रेनों में आपको किसी भी प्रकार की कैटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में 3 सेकंड AC, 5 थर्ड AC, 10 स्लीपर क्लास और 2 सेकंड सीटिंग कोच लगते हैं। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों प्रकार के लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूं। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक जाती है और सुबह 9:15 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट फरीदाबाद स्टेशन है और यहां ट्रेन 9:35 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट मथुरा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:03 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट आगरा छावनी स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट मुरैना स्टेशन है और यहां ट्रेन 1:22 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवां हॉल्ट ग्वालियर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 1:55 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट झांसी जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 3:30 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट बीना जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:40 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट भोपाल जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:40 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट इटारसी जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 9:25 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट खंडवा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:37 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट बुरहानपुर स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्य रात्रि 12:30 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट भुसावल जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 1:30 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट मनमार जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 3:53 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट नासिक रोड स्टेशन है और यहां ट्रेन 4:45 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट इगतपुरी स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:45 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट कल्याण जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:32 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट पनवेल जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 8:25 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट चिपलून स्टेशन है और यहां ट्रेन 1:30 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट रत्नागिरी स्टेशन है और यहां ट्रेन 4:25 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट कनकवली स्टेशन है और यहां ट्रेन 6:28 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट थिविम स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:38 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट मडगांव जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 8:35 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 23वां हॉल्ट कारवार स्टेशन है और यहां ट्रेन 9:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट कुमटा स्टेशन है
और यहाँ ट्रेन 10:50 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 25वां हॉल्ट भटकल स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:40 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 26वां हॉल्ट कुंदापुरा स्टेशन है और यहाँ ट्रेन मध्य रात्रि 12:34 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 27वां हॉल्ट उडुपी स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 12:56 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 28वां हॉल्ट मंगलुरु जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 2:25 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 29वां हॉल्ट कासरगोड स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:23 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 30वां हॉल्ट कन्नूर मैन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:02 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 31वां हॉल्ट कोशिकोड मैन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:47 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 32वां हॉल्ट तिरूर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:33 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 33वां हॉल्ट शोरनूर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9 बजे पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 34वां हॉल्ट त्रिशूर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:37 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 35वां और आखिरी हॉल्ट एर्नाकुलम जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 12:15 पर पहुँचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूले। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।